अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मंदिर में शस्त्र पूजा करी। मंदिर में बिजली ना होने पर भी नाराजगी भी जताई और आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि नवरात्रि में लगातार जो है सनातन धर्म ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों में हिंदुओं को शस्त्र पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता शस्त्र धारण किए हुए हैं और शस्त्र की पूजा करते ही हैं। रामायण में भी दिखाया गया है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने शस्त्र की पूजा करी थी, क्योंकि ये शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। और नवरात्र के समय में काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अपने अपने घरों में रखे शस्त्र की पूजा करते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कटवाया सराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शस्त्र की विधिवत पूजा करी। मंदिर में मुख्य पुजारी पंडित वेंकटेश्वर झा ने मंत्रोच्चारण से इन शस्त्रों की पूजा करी और साथ ही पूजा में आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को संकल्प लिया कि शस्त्र हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है, इसलिए जब भी हिंदू धर्म या शस्त्र इससे जुड़े हुए लोगों पर कोई भी संकट आएगा तो शस्त्र उनकी रक्षा करेगा। साथ ही साथ इन लोगों ने संगठन के लोगों ने इस मंदिर की दुर्दशा पर आक्रोश भी व्यक्त किया और संकल्प लिया कि इस मंदिर की दुर्दशा को सही कराकर ही दम लेंगे। दरअसल आपको बता दें, मंदिर के मुख्य पुजारी वेंकटेश्वर झा ने बताया कि मंदिर में की स्थापना 25 साल पहले की गई थी। इस मंदिर में पहले मंदिर के पीछे सर्कुलर भवन से बिजली मिली थी, लेकिन इस मंदिर में कुछ लोगों के हड़पने की नीयत से नज़र आ गई और 2019 में इसकी बिजली कटौती कर दी गई, जिसके बाद यहाँ पर बिजली नहीं, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब बहरहाल देखना होगा कि शस्त्र पूजा के साथ साथ जो संकल्प लिया गया है उससे क्या मंदिर में भगवान के मंदिर में भगवान अब उजाले में आ पाएंगे। इसके लिए आप लोग कुछ क्या आवाज उठाएंगे या कुछ? आवाज उठा दी है, पिछली बैठक में ये समस्या सामने आई थी तो यहाँ पे कुछ सज्जन थे, उनको मैंने टेलीफोन नंबर दिया था BACS में। मैंने भी स्वयं उनके अधिकारियों से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं वो उनसे बात कर लें और वो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन शायद बात हुई नहीं हुई मैं कह नहीं सकता। नहीं, क्योंकि नवरात्र में हर जगह उजाला रहता है, जगमग रहता है, और इस नवरात्र में ही माँ का यहाँ पर दरबार अंधेरे में जी, तो क्या इससे आप लोगों को भी मैंने भक्तों को भी तकलीफ है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है। माँ हमारी गर्मी में, माँ हमारी अंधेरे में, और कैसे कैसे लोग उजाले में बैठे हैं, कैसे कैसे लोग AC चला के बैठे हैं, हमें तो लज्जा में डूब जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये इस मंदिर की बिजली बहाल होगी, बहाल इसलिए कह रहा हूँ, पहले थी बिजली, ये निश्चित रूप से बहाल होगी। अगर इन्होंने बात करी और अगर इन्हें उचित उत्तर नहीं मिला है तो मेरा जिम्मा बनता है उचित उत्तर दिलवाने का। पंडित वेंकटेश झा, प्राचीन शिव मंदिर संस्थापक। यहाँ ये मंदिर जो है ये कितना पुराना है और कब से लाइट यहाँ? ये 5 फरवरी 1998 को मंदिर की स्थापना हुई थी और 6 नवंबर 2019 तक ये पड़ोस ने हमें लाइट दिया था। पड़ोस ने पहले इस मंदिर को कब्जाना चाहा, कब्जा नहीं हुआ तो तुड़वाना चाहा, उसके लिए हाईकोर्ट तक गया, वहाँ से जब उसने सक्सेस नहीं हो पाया, सफलता नहीं उसको मिली, और जिस दिन 6 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट का फैसला आया उसी दिन ये अपने जो अंदर से लाइट दे रहे थे लाइट पानी बंद कर दिए, तब से मंदिर अंधेरा है। और मैंने निरंतर प्रयास कर रहा हूँ BACS में, पैसा भी जमा था, मीटर 1-1.5 घंटे के लिए लग भी गया, लगने के बाद ना जाने इन्होंने अंदर बुलाया और BACS को क्या दिया, क्या लिया, क्या कहा, मीटर वो खोल करके लेके चले गए। इसके बाद मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, BACS कहता है जी NOC ले आए, मैं उनसे हाथ, आज आप फल के दुकान पे, सब्जी के दुकान पे, फूल के दुकान पे, जो फुटपाथ पे बैठा उनको आप बिजली देते हो, हमारा धार्मिक स्थान है फुटपाथ पे, इसमें गलती हमारी क्या है? नवरात्र का महीना चल रहा है, हर तरफ मंदिरों में रौनक, आपको कितना दुख लगता है जब आपने मंदिर में अंधेरा देखा? अब हृदय का दुख मैं क्या व्यक्त कर सकता हूँ, मैं आंसू बहाते रहता हूँ 24 घंटा, जो माँ ये मेरी पुकार को तुम सुन ले, कम से कम बिजली पानी शौचालय का व्यवस्था तुम अपने मंदिर में करा ले।
बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। भक्त लोग आते हैं, उनको अंधेरा में पूजा पाठ करना होता है कई बार। अब अंधेरा होने के बाद कितना असुविधा होती है वो सब हम अनुमान लगा सकते हैं। हर वक्त सदैव हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमारे मंदिर में बिजली व्यवस्था करवा दो। स्थानीय विधायक से अभी बात हुई थी, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? मेरे अपने विधायक से मैंने अनेकों बार 2017 से लगातार उनके पीछे में लगा हुआ हूँ। वो 4-5 बार लेटर भी लिख करके आश्वासन दे देते हैं जो जाओ ये इससे काम हो जाएगा। मैंने विधायक से अनेकों बार मिला हूँ, अभी परसों भी मैंने विधायक से मिला। विधायक महोदय ने एक टेम्प्रोरी कनेक्शन, इस फेस्टिवल दशहरा फेस्टिवल के लिए हमें टेम्प्रोरी कनेक्शन दिया गया है, वो भी कल जाकर के हम 10:30 बजे जाएंगे कागज पत्र लेकर के, तब हमें 2 दिन के लिए भी अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, ये किसी भक्त ने जनरेटर दी है, इस जनरेटर से चला करके थोड़ा सा उजाला जो आप देख रहे हैं इन्हीं की कृपा से ये उजाला।